मित्रों नमस्कार, मैं योगेश उपमन आपका स्वास्थ्य मित्र आपके अपने यूट्यूब चैनल अडोनिस हेल्थ एंड कल्चर में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों आज मैं आपको एक ऐसे औषधीय वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन इसके औषधीय उपयोग के बारे में संभवतः आप परिचित ना हों, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। मित्रों प्रकृति वनस्पति हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर की रक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। प्रकृति में जितने वृक्ष फूल फल जो आ रहे हैं, इन सब का हम सदुपयोग करके अपने पूर्ण रूप से स्वस्थ और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको एक वृक्ष से परिचित करा रहा हूँ। इसका नाम है लिसोड़ा। लिसोड़े का संस्कृत में श्लेष्मान तक बोलते हैं, शैलू भी बोलते हैं और उद्दाल भी बोलते हैं। मुंबई में इसको बड़गुद, लेसरी और मेदुरी के नाम से भी जाना जाता है। गुजराती में इसको ऊंदो मोटो भी बोलते हैं और इसका लैटिन नाम है कॉर्डिया ओलिकस। हिंदी में हम इसको लिसोड़े के नाम से ही संबोधित करते हैं। लिसोड़े दो तरह के होते हैं, लिसोड़ा छोटा और लिसोड़ा बड़ा। लिसोड़ा छोटा और बड़ा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, सिर्फ फल का फर्क होता है। छोटे फल वाले को लिसोड़ा छोटा बोलते हैं और बड़े लिसोड़े जिसमें आते हैं उसे बड़ा लिसोड़ा बोलते हैं, पर इन दोनों की तासीर एक ही जैसी है। लिसोड़े के वृक्ष बड़े आकार के होते हैं, जैसे इनका कद जो होता है वो 15 से 20 फीट तक हो सकता है। इनके जो तने की गोलाई है वो 4 से 6 फुट तक की होती है और इसके जो गुण और दोष हैं कुछ इस तरह है कि लिसोड़े का फल मीठा होता है, शीतल होता है, कृमि नाशक होता है, कफ निस्सारक होता है, संकोचक होता है और फेफड़े की सब प्रकार की बीमारियों में ये बहुत उपयोगी होता है। अस्मिता यानी पेट को मुलायम और फेफड़ों को साफ रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इससे दस्त साफ होता है, यह कफ को छांटकर निकाल देता है, पित्त के विकार को दस्त की राह से निकालता है, पित्त और खून की गर्मी को दूर करता है, प्यास और पेशाब की जलन को मिटाता है, आंतों की खराश को दूर करता है, दमा, सूखी खांसी, सीने में जलन, दर्द सभी में ये लाभ पहुंचाता है, मैदे के कृमियों को स्पष्ट रूप से खत्म करता है, नष्ट करता है, शरीर के भीतर की शुद्धि करता है, जुलाब की तेजी और उससे होने वाली जलन जो पैदा होती है, जो घबराहट होती है उससे दूर करता है। जिन व्यक्तियों की प्रकृति गर्म होती है उनके लिए मृदु विरेचक पदार्थ का काम करता है। अगर पित्त, कफ और खून तीनों में विकार से जो ज्वर आने लगता है तो उसमें ये बहुत लाभकारी है। जुकाम में इसके पेड़ के 4-5 कोपल पत्तों को ले लें, बारीक कतर कर रात में पानी के अंदर भिगोकर प्रातःकाल उनको मसल कर पीने से बहुत लाभ होता है। इससे प्रमेह, मखाने का जख्म और बार बार पेशाब का आना बंद हो जाता है। इसके पेड़ की सूखी हुई छाल को जलाकर उसकी राख को अग्नि में जले हुए स्थान पर लगाने से बहुत फायदा होता है। छाल का काढ़ा है वो जीर्ण ज्वर के अंदर और शक्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसी के फलों का काढ़ा खांसी में कफ को ढीला करने के लिए भी दिया जाता है, पेशाब की जलन को कम करने के लिए और अतिसार को दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे आंतों को उत्तेजना मिलती है, ताकत मिलती है। इसकी छाल के रस को नारियल के तेल के साथ मिलाकर उदरशूल के लिए, उदरशूल को दूर करने में बहुत ये दिया जाता है और उसमें बहुत लाभकारी है। इसकी छाल और इसके कच्चे फल हल्के पौष्टिक पदार्थ की तरह उपयोग में लिए जाते हैं। इसकी गुठली की जो मगज होती है उसको दाद पे लगाने में दाद तुरंत ठीक हो जाता है। यह एक उत्तम औषधि है दाद के लिए। इसको पीसकर लेप करने से दाद मिट जाता है। व्रण और मस्तक शूल पर इसके पत्तों का लेप करने से बहुत लाभ होता है। एक इसका
प्रयोग में आपको बताता हूँ मित्रों, ये निमोनिया में भी बहुत फायदेमंद होता है। ये निमोनिया और अति इसार जो संधिपात संधिवात है उसके अंदर लाभदायक है। निमोनिया में इसको देने की विधि कुछ इस तरह से होती है, 6 दाने साबुत लेकर के उसको आधे पाव पानी में उबालें, जब एक तिहाई पानी शेष रह जाए तब उसको छानकर 3 तोले गरम घी में और 3 तोले ही मिश्री मिला करके उंगली से हिला करके पी लें, तो उससे जो निमोनिया का बीमारी है, निमोनिया की जो तकलीफ है, वो तुरंत ठीक हो जाती है। मित्रों, घाव में इसके पत्तों की राख बना करके घी में मिला के लगाने से घाव तुरंत भर जाता है। बदगांठ यदि शरीर में कहीं है तो इसके पत्तों को गर्म करके बदगांठ पर बांधने से वह गांठ बैठ जाती है। अतिसार में गुठली निकाले हुए सूखे गूदे का चूर्ण करके खिलाने से अतिसार मिटता है। और सूखी खांसी यदि है तो सफिस्ता के फलों का क्वाथ बनाकर यानी उन्हें उबाल करके पिलाने से सूखी खांसी तुरंत मिट जाती है। और मूत्र कक्ष, गुंदे के कच्चे फलों का जो लुआव है सेवन करने से मूत्र कक्ष में लाभ होता है। जो रुक रुक करके पेशाब आता है वो उसमें बहुत फायदा होता है। तो मित्रों, ये मैंने आपको इस पौधे के गुणों के, मित्रों बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला फल है, पेड़ हर जगह मिल जाता है, इसके फलों की जानकारी कर रखें और समय पड़ने पर इनको औषधि की तरह उपयोग करें और प्राकृतिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार भरपूर सहयोग इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद मित्रों।